गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश के अध्यापक। आज आपको क्लास सेवन का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द फार्मर एंड हिज डंकी, किसान और उसका गधा पढ़ाएंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ फार्मर एंड हिज सन लिव्ड इन द विलेज। बहुत समय पहले एक किसान और उसका बेटा एक गाँव में रहते थे। दे हैड अ डंकी, उनके पास एक गधा था। वन डे, एक दिन द फार्मर डिसाइडेड टू सेल द डंकी, एक दिन किसान ने निश्चय किया कि वह गधे को बेच देगा। सो ही एंड हिज सन स्टार्टेड फॉर द मार्केट विद द डंकी, इसलिए वह और उसका बेटा गधे के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। ऑन द वे, रास्ते में सम गर्ल पास्ड बाय देम, कुछ लड़कियां उनके पास से गुजरी। व्हाई आर दिस मैन वॉकिंग, ये व्यक्ति क्यों चल रहे हैं, लड़कियों ने कहा। सेड द गर्ल्स, द डंकी कैन कैरी वन ऑफ देम, गधा इनमें से एक को ले जा सकता है। द फार्मर हियर दिस, किसान ने यह सुना। ही आस्क हिज सन टू गेट ऑन द डंकीज बैक, तब किसान ने अपने बेटे से उस गधे की पीठ पर बैठने को कहा। द फार्मर वॉक्ड बिहाइंड, और किसान पीछे पीछे चलने लगा। देन दे पास्ड सम ओल्ड पीपल, जब वह कुछ बुजुर्ग लोगों के पास से गुजरा। लोग कहता है यंग मैन, इस व्यक्ति को देखो। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज राइडिंग द डंकी, जो गधे को चला रहा है। लेकिन बट हिज पुअर ओल्ड फादर इज वॉकिंग, लेकिन उसका बेचारा बूढ़ा बाप चल रहा है। द फार्मर हियर दिस, किसान ने यह सुना। ही आस्क हिज सन टू गेट डाउन, उसने अपने बेटे से उतरने को कहा। देन तब ही कॉट ऑन द डंकीज बैक, और वह उस घोड़े गधे की पीठ पर बैठ गया। द बॉय वॉक्ड बिहाइंड, लड़का पीछे चलने लगा। आफ्टर अ व्हाइल सम यंग मैन अक्रॉस देम, कुछ समय बाद कुछ जवान लड़कों के व्यक्तियों के पास से वे गुजरे। लुक एट द यंग बॉय, इस लड़के को देखो। दे सेड, उन्होंने कहा, ही लुक्स वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली द डंकी कैन कैरी बोथ ऑफ देम, हकीकत में गधा दोनों को ले जा सकता है। तो यहाँ तक की रीडिंग आप अपने बुक से अपने घर पर करेंगे, और जो हार्ड वर्ड आपको समझना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पार्ट की वर्ड मीनिंग भी आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करनी है। थैंक यू।